केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बृहस्पतिवार को लगभग 100 एनसीसी कैडेट्स द्वारा वाकथान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। वाकथान के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर अनीता सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर एनसीसी कैडेट्स को राप्ती नगर बस डिपो से रवाना किया गया, जो छात्र संघ चौराहे एवं विश्वविद्यालय गेट से होते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर परिसर में पहुंचकर समाप्त हुआ। तत्पश्चात संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा सभी कैडेट्स एवं मौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की शपथ दिलाई गई, जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम दल एसपी श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय बीके सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली और श्वेता गुप्ता, संभागीय निरीक्षक राघव कुमार कुशवाहा व सीमा गौतम सहित परिवहन विभाग के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, फोर व्हीलर में यात्रा करेंगे आगे की एक कुल को दो दो कुलों की लाश बचाकर चलती है मीडिया। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत सड़क परिवहन के नियम प्रदेश द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2021 परिवहन के नियमों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान सशक्तिकरण के लेकिन हमारी
सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत एक कार्यक्रम आज परिवहन विभाग की तरफ से एनसीसी कैडेट के माध्यम से हम लोगों ने किया है, जिसमें लगभग 50-60 एनसीसी कैडेट और स्काउट कैडेट्स हमारे साथ थे और हमने कचहरी रोडवेज से ये वॉकथॉन शुरू किया सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए। पूरे रास्ते भर कैडेट ने नारे लगाए और पैम्पलेट बांटे, हैंडबिल्स बांटे हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये वॉकथॉन आरटीओ ऑफिस में आके समाप्त हुआ है। और यहाँ पे हमने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी दिलाया है उनको, ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी नियमों के प्रति जागरूक कर सकें। और अब इन कैडेट्स को हम लोग जो है शहर के विभिन्न 3-4 चौराहों पर ले जाएंगे और लोगों को इस नियमों के प्रति जागरूक करेंगे कि दो पहिया वाहन हेलमेट लगा लें और 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट लगा कर चलें, ताकि सड़क सुरक्षा के लिए जो हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं उसको वो उसके प्रति वो जागरूक हो सकें और हमारे इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ा सकें हम लोग। मैम, सड़क सुरक्षा मार्ग पर जो वाहन चालक नियमों की अनदेखी करके और बिना परमिट वो शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप लोगों का अभियान चलाया जाए। हाँ, अभी सड़क सुरक्षा माह में हम लोगों को ये निर्देश मिले हैं कि 15 दिन हम जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे जनता को हर नियम के प्रति जागरूक करेंगे। हर विभिन्न वर्गों के जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हमने अभी इससे पहले बस यूनियन, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन के लिए, अभी चीनी मिलों के माध्यम से हम लोगों ने जागरूकता की है। आज हम लोग चौराहा पर उतर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब 15 दिन के बाद हम लोग अब इनको इनके विरुद्ध चेकिंग अभियान भी चलाएंगे कि हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया है वो कितने सजग हैं उस कार्य नियमों के प्रति, और उसके प्रति हम फिर चेकिंग का कार्यक्रम भी लगाएंगे।